किस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी? पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अभी जस्ट आज अभी चार्ज लिया है। चार्ज लेने के बाद अभी तीन डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। एक कम्प्लीटली रिव्यू देखता हूँ पूरे प्रीवियस केसेस का और लॉ एंड ऑर्डर का, और एक बार रिव्यू होने के बाद मैं तब उस स्थिति में रहूँगा कि कुछ कमेंट कर पाऊँ। आज सिर्फ ज्वाइनिंग किया मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि मैं बाजू में अररिया के डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी के तौर पे था, और कोसी रीजन मुझे एक्चुअली एज ए फील्ड करके नया नहीं है। और तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो एसपीज है वो हो सकता, मैं ये विश्वास करता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे, और जिन उनको अगर कुछ इश्यूज में गाइडेंस चाहिए या कुछ भी गाइडलाइन चाहिए तो मेरे तरफ से उनको कोऑपरेशन रहेगा। बगल में नेपाल है और ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहा है। आगे 26 जनवरी भी है और इसको लेकर के आप मैं अररिया में था तो जोगबनी बॉर्डर था, ये विराट नगर के जो एडजस्टेंट है, तो वैसे बॉर्डर पेट्रोलिंग और बॉर्डर एरिया से रिलेटेड एसएसबी का वहाँ पे पुख्ता इंतजाम तो रहता ही, और कोऑर्डिनेशन भी रहता है। और सुपौल के एसपी से उस संबंध में अभी और एक फीडबैक लूंगा कि एक्चुअली वहाँ पेट्रोलिंग और बाकी की व्यवस्था कैसी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि एसएसबी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो उसमें मुझे शायद एक आध दिन और लग जाएगा, तो बाकी चीज़ होगी।